hi friends math it must be mass by me MA. welcome again to the world of mass by me MA. so you have a question of circle and the two chords perpendicular to each other in which pq 8 unit given qr is 5 unit given rs is 6 unit given then we need to find the length of qs and the pr the respective chords or the diagonals okay so i want please pause the video and try to solve this question आई होप आपने वीडियो को पॉज की होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा चलिए मैं आपको बेसिक से बताता हूँ सॉल्व इस इस करते हैं कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं ओके? Okay? So, मैं आपको बेसिक से। PS. PS, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बना रहा होगा बिकॉज कॉमन कॉर्ड कॉमन एंगल बनाते हैं नाउ कंसिडर द क्यू आर कॉड क्यू आर God, अगर एंगल पी पे अल्फा बना रहा होगा तो यहाँ पे भी ये क्या बनाएगा अल्फा बनाएगा सब बेसिकली मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि इफ वी गो विद विद्रगल पी क्यू से दिस पॉइंट इज टी पी क्यू टी एक्चुअली सिमिलर टू पी के लिए अल्फा है तो यहाँ पे एस हो जाएगा एस आर टी सिमिलरिटी सो वी कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल एंगलिटी है आई होप ये क्लियर है अगर मैं इस साइड को ए और इस साइड को बी बोलू मतलब अल्फा के सामने अगर मैंने बी बोला तो इस अल्फा के सामने वी कैन से दिस शुड बी द एक्स एंड थीटा के सामने मैंने अगर ए बोला तो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने शुड बी द ए वी कैन से एक्स इज द सिमिलैरिटी फैक्टर हम इसको सिमिलैरिटी फैक्टर बोल सकते हैं सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू एंड वी वर्क ऑन अ क्यू

कुछ आगे बढ़ते हैं तो ये आपका जो पहला लर्निंग है हाउ वी कैन से एंगल्स कैसे समेशन इक्वल होगा एंगल्स इक्वल कैसे होंगे एंड में ये एक्स फैक्टर कैसे काम कर रहा है आपको ये देखना होगा सो so, मैंने इस ट्रैंगल में लिखा है हम इस ट्रैंगल में भी लिख सकते हैं वो आपके ऊपर है ओके okay, जो मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं वो क्या है अगर मैं इसे ए इसे बी इसे सी और इसे डी मानू एंड कॉर्ड्स अगर आपके राइट एंगल ट्राइंगल पे बाइसेक्ट होते हैं that is, four right triangle, इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले बताया तो आप प्लीज सर्च करना फोर राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल्स की प्रोपर्टीज इन माई वीडियोज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें तो ये हमें पता है कि ऐसा कुछ होता है आप बोलोगे सर ऐसा होता है कैसे है मैं बोलता हूं चलो इसे x इसे y मानते हैं इसे z इसे w मानते हैं तो इस लाइन में बोल सकता हूं पैथस टू डब्लू स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर को बोला जा सकता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड ए स्क्वायर को बोला जा सकता है x स्क्वायर प्लस w स्क्वायर अगर आप ए स्क्वायर प्लस अपोजिट इज c स्क्वायर निकालना चाहोगे तो आपके पास x भी है आपके पास y भी है आपके पास w भी है आपके पास z भी है तो ये क्या देखिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और बॉस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और w स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है तो आपके पास एक सिमिलैरिटी का एंगल कॉन्सेप्ट और दूसरा हमारे पास राइट एंगल ट्रा फोर जब भी मिलते हैं तो दो कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो दिस इज आर क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पी क्यू एट दिया हुआ है क्यू आर फाइव दिया हुआ है एंड आर एस सिक्स दिया हुआ है इस वैल्यू को चलो एक्स मानते हैं तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखा था हमें ये पता है स्क्वायर 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 प्लस प्लस इज इज एक्चुअली इक्वल टू दैट तो X का वैल्यू जो होगा फाइव रूट थ्री होगा तो यहाँ पे अगर ये फाइव है और ये फाइव रूट थ्री है तो हमें एक बात तो पता चल गया वो बात क्या पता चल गई कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जो सिमिलैरिटी रेशियो अगर हमें लिखना होगा तो ए रूट थ्री लिखना होगा और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अगर हमें सिमिलैरिटी तो लिखना होगा वो आपके ऊपर है आप कैसे भी लिखते हो चलो इस छोटे और इस बड़े ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लिखते हैं अगर मैंने इसे इसे टी बोलते हैं क्यू टी को अगर मैंने ए और आर टी को अगर मैंने बी माना है तो मेरा टीपी ए रूट थ्री और ये मेरा बी रूट थ्री होगा आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा मुझे ये पता है ये एंगल अगर थीटा थीटा है है। तो ये एंगल साइड तो रेशियो तो अगर वन वन रूट थ्री जा रही है तो बाकी भी साइड ए ए रूट थ्री जाएगा अब यहाँ पे गौर करने की बात है ये साइड ए ये साइड ए रूट थ्री और ये 8 है। आप पाइथागोरस से ए का वैल्यू निकाल सकते हो लेकिन हमें एक छोटी सी बात को यहाँ पे गौर करनी है अगर ये 90 डिग्री है और एंगल ये एंगल ए और ये एंगल ए रूट थ्री है तो बहुत इजीली हम बोल सकते हैं कि ये एंगल 30 और ये एंगल 60 होगा बट ऐसा करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आप इससे भी कर सकते हो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट कैसे दिस स्क्वायर इज द ए स्क्वायर प्लस ए रूट थ्री ए स्क्वायर इन टू थ्री इज इक्वल टू एक्वायर फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर यहाँ से यहाँ आपका 16 आएगा तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा हमने इस ट्रायंगल में ए का वैल्यू 4 निकाल दिया सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में काम करें तो यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर इज थर्टी सिक्स बी का वैल्यू 3 होगा आप 30, 60, 90 भी लगा सकते थे उससे आ जाएगा तो हमने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है ए का वैल्यू फोर है तो ये मेरा क्या होगा फोर रूट थ्री होगा